हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज हम बना रहे हैं एकदम टेस्टी और हेल्दी सब्जी। ये है बनाना स्टेम की सब्जी, है यानी केले के तने की सब्जी। ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है और साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ज़्यादा लोगों को पता नहीं इसे कैसे कट करना है, कौन सा पार्ट को यूज़ करना है और मसाला कैसे करते हैं बहुत टेस्टी बनने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं ये केले के तने की सब्जी कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, मैंने इधर बनाना स्टेम यानी केले के तने लिए हैं। इसे कैसे कट करना है ये आपको बता रही हूँ। ये बाहर का जो लेयर है ना, ये जो होल होल दिख रहा है वो जो निकालना है, तो इस तरीके से चीरा लगाएंगे। सबसे अंदर वाला पार्ट जो है हमें चाहिए सब्जी बनाने के लिए, इसका जो ऊपर वाला छिलके है ना, इसे निकालना होगा। अभी बाहर का भाग हम निकाल दिए हैं, ये देख लीजिए अंदर वाला भाग जो है इससे सब्जी बनती है। ये जो बाहर का लेयर था ना, इसे हटा देंगे। और एक स्टेम था ना छोटा वाला, उसे भी काट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से चीरा लगाना है, फिर ऊपर का जो पार्ट है ना इसे निकाल देना है। बहुत ईजिली निकल जाएगा। अभी सब्जी के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी सब्जी के लिए ये जो बनाना स्टेम बिल्कुल रेडी है, ये जो बाहर का पार्ट है ना इसे हम फेंक देते हैं। चलिए अभी इसे कैसे कट कर लेते हैं, ये भी एक तरीका होती है कट करने की। पहले हम पानी लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, क्योंकि ये कट करते ही इसमें डालनी होगी क्योंकि ये काला पड़ जाएगी। अभी इसे एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। जैसे कट करेंगे इसमें जो फाइबर रहता है ना, इसका जो धाग जैसे निकल जाती है वो इसे हटाना है इस तरीके से। अभी इसमें तो इतना नहीं निकला है, ऐसे ही कट कर लेते हैं। कभी कभी आ जाती है ऐसा, तो घबराने का नहीं, वो ऐसे ही रहता है। इसे हटा देना है, फिर पानी में डालते जाना है, नहीं तो काला पड़ जाएगी। इसमें जो इतना धाग नहीं निकल रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ। हाँ, अभी देखिए इसमें थोड़ा सा लग रहा है, ये जो दिख रहा है ना थ्रेड जैसा, इसे हटाना है। फिर पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। फिर एक एक स्लाइस को लेना है, फिर इस तरीके से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। अभी ये देखिए, मैंने अच्छे से कट कर दिया है एकदम बारीक पीसेस में। फिर थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, नमक डाल के पानी में डाल दिया था, फिर भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, वो ऐसे ही होता है। फिर एक पैन में इसे डाल देते हैं, फिर इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, नहीं तो दो कप पानी डाल दीजिएगा। फिर इसे ढक के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तो लगेगी, अगर पूरी तरह नहीं पकी है तो और थोड़ी देर तक पकाना चाहिए। अभी देखिए 80% जितना ये पक चुकी है, पूरी तरह नहीं पकी हुई है। अभी इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इमली का रस डालेंगे 2 टीस्पून, और थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ भी डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे। फिर इसे मिक्स करके फिर ढक के पकने को छोड़ देना है। ये अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, तब तक पकाना है। तब तक इधर क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा एक मसाला रेडी करना है। तो 1/2 टीस्पून जितना तेल गरम के लिए रख दिया, फिर इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा। इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे फ्राई हो जाता है इसमें डालेंगे सूखे लाल मिर्च, मैंने 3 बैड की लाल मिर्च लिया है, इसे भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये भी थोड़ा फ्राई होने के बाद गैस फ्लेम को बंद करना है और इसे थोड़ी सी ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देना है। जैसे ही ठंडा हो जाता है फिर इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। फिर इसके साथ ही डालेंगे 1 कप फ्रेश नारियल की इसके डालना है। फिर बिना पानी इसे ग्राइंड कर लेते हैं, दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, ये इस तरीके से हो जाता है।
अभी यहाँ पर देख लेते हैं ये अच्छी तरह से पक चुकी है या नहीं। थोड़ा सा पानी रह गया है और इसे थोड़ा प्रेस करके देख लेते हैं हाथों से लेके। अभी सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब ये पूरी तरह से पक चुकी है। अगर पूरी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हुआ तो और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से पकाना है। अभी हमने तैयार किया हुआ ये जो मसाला था ना, कोकोनट मसाला, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर इसे ढक के और 2 मिनट तक इसे ऐसे छोड़ देना है लो फ्लेम पर, क्योंकि ये जो मसाला का फ्लेवर है ना, ये पूरी तरह इसमें अब्जर्व हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसे एक साइड में रख देते हैं। अभी भी ये सब्जी पूरी तरह नहीं बनी है, क्योंकि इसके लिए एक टेस्टी तड़का देना है। तो एक छोटा सा पैन को गर्म के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। फिर इसमें डालेंगे 3 टीस्पून जितना कोकोनट तेल, नहीं तो कौन सा तेल आप यूज़ करते हो वो डाल दीजिएगा। फिर इसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई, जब ये चटकने लगेगी तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना उड़द की दाल, ये भी थोड़ा फ्राई होना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, और इसके साथ ही डालेंगे बैड़गी लाल मिर्च, मैंने 2 लाल मिर्च लिया है, इसे भी डाल के अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही पूरी तरह से फ्राई हो जाता है, लास्ट में हम डालेंगे कुछ करी पत्ते, इसे भी डाल के फ्राई करना है। अभी हमारा टेस्टी तड़का रेडी है, गैस फ्लेम को बंद करेंगे, इसे हमारा बनी हुई ये सब्जी में डाल देते हैं। अभी अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमारा ये बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी सब्जी बिल्कुल रेडी है, बनाना स्टेम की सब्जी। बनाना स्टेम जो रहती है हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, किसी की तरह रेसिपी बना के ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। इसमें बहुत सारा पोटेशियम, विटामिन B6, आयरन, फाइबर रहता है और हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। और किडनी स्टोन रिमूव के लिए इस बनाना स्टेम की रेसिपी बना के लेते हैं। तो इस बनाना स्टेम से कौन सा भी रेसिपी आप बना के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। मेरा ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरा न्यू वीडियोस का अपडेट्स आपको पहले मिलेगा। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।